गाड़ी आ बारिश हो तो हाँ पार्किंग हो सकती अब पानी एक घंटे और इसमें से गार्ड आपको जो कॉल कर देंगे और सोसाइटी पंजाबी सौदागरान सोसाइटी यही तो था ना पंजाबी सौदागरान जवानी पुल पे जाएगा तो अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल मुहिब अली'स फैमिली। तो जी आज हम आपको लेकर आए एक और नई जगह दिखाने के लिए और ये है जनाब फलकनास का प्रोजेक्ट। फलकनास गोल्डन पेबल्स के नाम से है और ये हम गूगल के ज़रिए ही यहाँ पे पहुँचे हैं ढूँढते ढूँढते और ये स्कीम 33 में है। तो आइए हमारे साथ हम भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। और अभी यहाँ पे इतनी आबादी नहीं हुई है, काफ़ी घर अभी भी खाली पड़े हुए हैं। ये इसका मेन रोड है और सामने भी अभी प्लाटिंग हुई हुई है और ये एक साइड पे ही बने हुए जो आपको येलो येलो घर नज़र आ रहे हैं ये सारे फलकनास वालों के हैं। ये आप देख लीजिए जो ओरिजिनल है वही हम आपको दिखा रहे हैं, व्यू कुछ वैसा नहीं दिखा रहे हैं, जो जैसे हमने देखा बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इनके लेन देन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमें किसी ने यहाँ पे इनवाइट किया था। सिर्फ और सिर्फ आप लोग हमारी वीडियो पसंद करते हैं इसलिए हम आप लोगों के लिए नई जगह आते हैं और नई जगह दिखाते हैं। तो आइए चलिए आपको विज़िट करवाते हैं इन बंगलोज का कि किस तरह के बने हुए। और लाइक और कमेंट ज़रूर क्या कीजिए, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। सामने अलग सोसाइटी है। हाँ वो अलग लोगों ने जमीन लेके बनाया है। इसकी हाँ बने वाला नहीं है ना, एक ही हाँ रोड पर है, बस बंगलो है ये बने हुए। अच्छा तो जी ये 120 गज के तमाम घर जो हैं ये 120 गज पे बने हुए हैं और ये अभी आ गई हैं सामने कैमरे के। ये मेन गेट हैं, काफ़ी चौड़े चौड़े मेन गेट बने हुए हैं और ये इनका कार पोर्च एरिया है, यहाँ पे टैंक बना हुआ है और मीटर और गैस तो आपको नज़र आ गई होगी, मीटर लगे हुए हैं गैस के, बिजली भी यहाँ पे मौजूद है, पानी भी है मीठा। ये 120 की जगह भी है, कैबिनेट बन सकती है, अटैच बाथ भी ठीक है। किचन हाँ किचन है, ये वॉशिंग एरिया ऊपर तीन रूम है। अच्छा पहले मुझे देखना
ये पूरी कैबिनेट बन सकती है। मुझे तो पहले जाना होता है, देख ले। गैस कहाँ है? देख ले। तो जी ये इसका ओपन एरिया है, इस तरह की कुछ डिज़ाइनिंग हुई हुई और ये अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने। और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाते हुए और अच्छे तीन रूम बने हुए हैं यहाँ पे, और तीनों अच्छे खासे बड़े रूम बने हुए हैं। और ये टीवी लॉन्च का एरिया है, अच्छा रोशनदान रोशन और हवादार बनाया इन्होंने। तो जी जनाब यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है रोड का, दोनों रोड आपको नज़र आ रहे होंगे, एक तो बना हुआ है एक अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ से आप आते हैं टीवी लॉन्च में और यहाँ पे इसके बाद ये दो रूम हैं बराबर बराबर और एक मास्टर रूम अभी जो मैंने आपको दिखाया। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और सीढ़ियाँ भी अच्छी खासी कुशादा बनी हुई हैं, इस तरह की ग्रीन लगी हुई है, अच्छा बनाया हुआ है, रोशनी का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हुआ हुआ है क्योंकि वेंटिलेशन दी हुई है अच्छी इन्होंने, खिड़कियाँ दी हुई हैं बड़ी बड़ी सी, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये भी ऊपर से यहाँ पे रोशनी आ रही है छत पर से, यहाँ से भी खुला हुआ है, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। आइए चलते हैं ऊपर। तो जी ये ओपन एरिया है जो नीचे इन्होंने गैलरी टाइप की दी हुई थी वहाँ से खुला हुआ है और इस तरह से कुछ छत की लुक है। और ये जनाब टंकी बनी हुई है इसके सीढ़ियों के ऊपर और तकरीबन सबकी छतें आपस में मिली हुई हैं और इतनी ही इनकी हाइट है छतों की दीवारों की आपको नज़र आ गई होगी। और बाहर से ये लुक है जनाब अच्छा है, सामने चौड़े चौड़े दो रोड हैं बने हुए, अच्छा खुला हुआ एरिया है। तो ये है कुछ लुक यहाँ की, आपको बाहर से भी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर आपको कैसे नज़ारे मिलेंगे। तो जिस तरह का कुछ लुक है यहाँ से और काफ़ी अच्छी आबादी हो रही है और इसकी 33 में है ये भी, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आबादी है। तो ये है जी इसका खुला हुआ एरिया जो थोड़ा सा ख़तरनाक है, यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा अगर आप घर लेंगे तो, जाल वाल ज़रूर लगवाइएगा। और ये है जी शीशा लगा हुआ है यहाँ पे और ये टीवी लॉन्च में रोशनी देता है, यहाँ से रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी पे नीचे जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये पीछे का है ओपन एरिया जो खुला हुआ है, यहाँ से अच्छी कुशादा और बड़ी छत है यहाँ पे मौजूद। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबकी दीवारें अलग अलग हैं, एक दीवार पे नहीं बना हुआ। तो जी ये है कुछ लुक छत की। तो जी ये छत का कुछ लुक था, आइए चलते हैं वापस नीचे। और चौड़ाई आप देख लीजिए सीढ़ियों की इतनी है और मार्बल गले हुए हैं सीढ़ियों पे, लुक काफ़ी अच्छा बना हुआ है घर का, अच्छा है हवादार बना हुआ है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आपने देख लिया फर्स्ट फ्लोर पे तीन रूम भी बने हुए हैं और टीवी लॉन्च है। और जी अब आ गए हम नीचे और ये बारिश हो तो हाँ पार्किंग हो सकती तो जी जनाब ये है बैक साइड के घर, अब हम आपको दिखाएंगे कि बैक साइड पे किस तरह की गलियां बनी हुई हैं और किस तरह के घर हैं। घर तो सेम वैसे ही है, डिज़ाइन एक ही होता है और सब 120 गज़ के ही बने हुए हैं। तो अभी हम लोग बैक साइड पे आ गए हैं और सोच रहे हैं कि किस तरफ से आपको दिखाएं लुक।
तो जी चलते हैं, क्योंकि आगे फिर गाड़ी मोड़ने का मसला हो जाएगा, क्योंकि इतनी चौड़ी गलियां नहीं है। तो चलते हैं इस गली में, पहले आपको यहाँ इस गली का दिखाते हैं लोग किस तरह के घर बने हुए हैं। तो जी आइए हमारे साथ। ये काम हो रहा है, अंदर सीलन है यार। सीलन पता क्या होती है? सीलन फाउंडेशन डिस्टर्ब करती है। मजबूत घर थोड़ी बने खाली पड़े, लोगों ने लेके नहीं है, लोग रह रहे। यही तक है बस। हाँ यही तक, एक पट्टी तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसी को तो कह रहे हैं आबादी नहीं, सिक्योरिटी बन रहे हैं लोग, काम हो रहा है, बेचने वाला है ना वो इसी। हाँ इतने अरसे से उस पर काम ही नहीं हुआ, काम रुका पड़ा। आ, तो सामान की कंडीशन ये देख, दीवार के ऊपर तक सीलन पहुंच गया था, ये जो गैप से ऊपर ये लोगों ने लेके डाल दिए। अब ये महंगे करके बेचेंगे, जब यहाँ की वैल्यू बढ़ जाएगी महंगे करके डालेंगे। हाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, काम हो रहा है इन दो घरों में, काम हो रहा है। अच्छा इन्होंने बाउंड्री बंद कर दी ना यहाँ से, तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी सिस्टम हो गया यहाँ पे इनका। डर लगता है ना, हाँ ये उनकी बाउंड्री इधर, आगे फिर वही मुड़ने का दिक्कत है। हाँ बस यही से देखा। तो जी जिस तरह का हमने देखा वैसे ही आपको दिखाया है, एक गली जनाब ये है और यहाँ पे काफी लोग आके रुक चुके हैं। एक दो और तीन रो बनी हुई है इसकी, और इसके अलावा यही चौड़ाई है इसकी मेन चौड़ाई जहाँ से आप इंटर होते हैं। यहाँ गार्ड भी बैठे हुए हैं। और जी बिजली गैस पानी तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, और यहाँ के प्राइस जो हमें इस वक्त चल रहे हैं और हमें बताए गए हैं वो 1,75,00,000 इन्होंने इस घर के प्राइस बताए थे हमें, जो हमने आपको विजिट करवाया है। और जी यहीं पे इनका ऑफिस है इन्हीं घरों में, और आप अगर यहाँ इंटरेस्टेड हैं तो आएँ, खुद देखें, खुद मालूमात लें और खुद यहाँ का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।